नमस्कार वेलकम यू ऑल धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज के बारे में इमरान खान के हटने के बाद हम साफ देख रहे हैं कि यूएस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशन वापस रिन्यू हो जाएं ना इसका इम्पैक्ट रशिया पे क्या होगा इंडिया पे क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और हाँ यहां पर आप देख पाएंगे रिसेंटली इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी हुए है कि कैसे रही है, है एंथनी ब्लिंकन इन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को बुलाया है यूएस में और इनकी एक अलग से मीटिंग होगी वहां पर डिस्कस किया जाएगा कि कैसे दोनों कंट्रीज के रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं और ऐसी टर्म्स पे बात करें कर सकते हैं

तो आपको बताना है कि विक्ट्री डे कई देशों में सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट विक्ट्री ओवर होम इन वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू में एक देश की हार को कमेमोरेट करने के लिए कई देश सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री डे आपको बताना है कि किस देश की हार हुई थी इस दिन जापान इटली जर्मनी या फिर यूएसएसआर कॉमेंट सेक्शन में करिए उत्तर सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में अब यहां पर आप पूछेंगे पाकिस्तान के लिए यूएस की इंपॉर्टेंस अचानक से बढ़ कैसे गई ये क्यों यूएस से बातचीत करना चाहते हैं यूएस भी क्यों तैयार हो गया पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए देखिए इसके पीछे दो कोर रीजन है जो आपको समझने होंगे पहला रीजन तो है सीपे का अटर फेलियर सीपैक से पाकिस्तान को उम्मीद यह थी कि अब तक ये बहुत ही बड़े स्केल पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठा देगा इंडस्ट्रीज खड़ी कर देगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सीपैक से पाकिस्तान को कोई बड़े लेवल का मैसे बेनिफिट हुआ नहीं है ऑलरेडी आपने देखा होगा बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर बताया गया है कि अभी तक जो सीपा के पंद्रह मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से सिर्फ तीन कंप्लीट हुए हैं और उम्मीद की जा रही थी यहां पर पाकिस्तान और चाइना द्वारा कि जो मीडियम टर्न प्रोजेक्ट हैं ये आराम से दो तक कंप्लीट कर देंगे और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये सब कंप्लीट होकर 2030 तक सीपैक प्रॉपरली ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये अभी के लिए होता हुआ दिख नहीं रहा इसके पीछे मेजर रीजन ये भी है के जो चाइनीज इंजीनियर जो वर्कर्स चाइना से पाकिस्तान में आए थे काम करने के लिए बड़े स्केल पर ऑलरेडी वापस जाना चाहते हैं या फिर जा चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखकर चाइना भी लिटरली शेकन है बिल्कुल आप कह सकते हैं देसी लैंग्वेज में हिल चुका है चाइना यह देख कर के इनके यहां तो कहीं भी बॉम्बलास्ट हो जाते हैं एंड द सिक्योरिटी कैन नॉट डू एनी थिंग ना यहां पर मैं ऐड कर दूं कि यूएस कभी भी सी के हक में नहीं था यूएस ने हमेशा पाकिस्तान को यह कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान सिर्फ और ज्यादा डेट के अंदर चला जाएगा इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी उठने नहीं वाली दिस इज जस्ट ए चाइनीज डेट ट्रैप तो फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पाकिस्तान को यह बात समझ में आ चुकी है और जो करंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इनकी पॉलिसी यह भी है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो इसमें यूएस का साथ चाहिए होगा चाइना से इकोनॉमी रिवाइव नहीं होने वाली जो मैं कहूंगा काफी हद तक सही बात भी है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कह चुका हूं चाइना किसी कंट्री को रातों रात समर्थवान नहीं बना सकता उनकी लिमिट्स होती है ये लोग मैक्सिमम लोन दे, दे देंगे हाई इंटरेस्ट रेट पर उस लोन को अगर प्रॉपरली वो कंट्रीज यूटिलाइज नहीं करती तो वो कंट्री बुरी तरीके से फंस भी सकती है ना ये तो हमने बात कर ली चाइना की उसके अलावा आपको याद होगा पिछले एक डेढ़ साल से न्यूज चल रही थी कि रशिया एक गैस पाइपलाइन बनाएगा पाकिस्तान के अंदर इसका नाम होना था पाकिस्तान गैस स्ट्रीम गैस पाइपलाइन इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि रशिया पाकिस्तान साइन मेगा पाइपलाइन डील Now, बीच में मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी जहां संकेत दिए थे कि मोस्ट डील कैंसिल हो सकती है बहुत से इश्यूज हैं दोनों कंट्रीज के बीच में जहां पे वो एग्री नहीं कर पा रहे थे मगर पाकिस्तान को उम्मीद यह थी इमरान खान को उम्मीद यह थी इमरान खान की जो कोर ऑफ लॉसिफी देखोगे ना फॉरन पॉलिसी वो थी प्रो रशिया प्रो चाइना इमरान खान का जो कोर बिलीफ था वो ये था कि यूएस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान जितना ईस्ट की तरफ देखेगा उतना पाकिस्तान को फायदा होगा तो इवन दो रशिया पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन को लेकर कुछ इश्यूज थे मगर ये पाइपलाइन आगे बढ़ रही थी बट अब जिस तरीके से सैंक्शन लग चुके हैं रशिया पर रशिया से पेमेंट रिसीव करना रशिया को पेमेंट देना बहुत ही मुश्किल हो चुका है तो ये गैस पाइपलाइन भी आगे बढ़ते नहीं दिख रही तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी इस पाइपलाइन की सिंस रशिया यहां पर बहुत ही बड़े स्केल पर इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा मोस्ट प्रॉब्लली ये वेस्ट की तरफ यूएस की तरफ देखेंगे कि ये पाइपलाइन ये लोग बिल्ड कर दें तो ये दो बहुत ही मेजर फैक्टर्स हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की लड़बाई शहबाज शरीफ ये लोग अब ओपनली कह रहे हैं कि हम अपने देश में कोई भी नैरेटिव जो यू के अगेंस्ट है इसको हम फेवर नहीं करते ये बहुत कम होता है यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर होता है किसी कंट्री का वो कहता है कि जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है मगर यहाँ पर पी खुद कह रहा है कि यू के खिलाफ हम बात बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को पता है कि अगर इनका कोई प्रॉपर सेवियर हो सकता है अगर इनकी इकोनॉमी को कोई जेनवनली बचा सकता है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएस ऐसा कैसे करेगा देखिए यूएसए के पास बहुत सारे साधन हैं यूएस लिटरली सऊदी अरेबिया को कह सकता है कि इनकी एडिशनल हेल्प करो सऊदी अरेबिया हेल्प करनी स्टार्ट कर देगा यूएसए के पास आईएमएफ का कंट्रोल है इनकी बहुत सारी मेजर कंपनीज हैं यह पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा दे तो पाकिस्तान में जो रोजगार है काफी हद तक बढ़ जाएगा यूएस अगर अपनी मार्केट का एक्सेस पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ओपन कर दे तो इससे पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा का भंडार काफी हद तक बढ़ सकता है तो इसलिए जो करंट गवर्नमेंट है ये राइटली मेरे हिसाब से आप अगर एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोच कर देखे तो ये लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी इमरान खान ने डैमेज किया था पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के बीच में इनको ये लोग रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए इसलिए मैं कहता था कि भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान पावर में बने रहे अगर इमरान खान पावर में होते आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान फंस चुका होता यूएस कहीं से भी पाकिस्तान से बात करता ना रशिया के साथ जो इनकी एंगेजमेंट थोड़ी बहुत होनी थी वो हो ना पाती सीपैक ऑलरेडी बंद पड़ा है इंडिया के साथ ये ट्रेड कर नहीं रहे पाकिस्तान वॉज गोइंग टू डाई अ स्लो डेथ बट सडनली आप कह सकते हैं इनको थोड़ी सी एक लाइफ मिल गई है uh, मैं तो पर्सनली आप मुझसे पूछे बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन हो इमरान खान वापस पावर में आए क्योंकि इमरान खान ने जो इंडिया को एडवांटेजेस दिए हैं आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पर इंडिया को सूट करता था इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर पावर में हो पाकिस्तान में जो ऑल टुगेदर एलिमिनेट ही कर दे यूएस की ऑप्शन इससे यूएस की जो डिपेंडेंस है इंडिया पर ये भी काफ़ी हद तक बढ़ रही थी अब यहां पर आप पूछेंगे क्या यूएस यूज कर सकता है पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया देखिए ये होने के चांसेस बहुत कम है इंडिया यू एस अब बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हैं इन वेरियस प्रोजेक्ट्स अगर मान लीजिए पाकिस्तान को कल को यू एस कुछ स्पेयर पार्ट्स दे देता है एफ सिक्सटीन के लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड कर देता है उसका कुछ ज़्यादा रेडिकल इम्पैक्ट होगा नहीं इंडिया पर हाँ मगर हमको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि यूएस जब फाइनेंशियली धीरे धीरे हेल्प करेगा पाकिस्तान की तो वापस ये लोग आतंकवाद को सपोर्ट करना ना स्टार्ट कर दे ये इंडिया के लिए हानिकारक हो सकता है बट उसके अलावा आप अगर देखें तो इट डज़ नॉट रियली इम्पैक्ट इंडिया हाँ ये बिल्कुल होगा आने वाले कुछ महीनों में छह से आठ महीनों में मोस्ट प्रॉब्लम जैसे जैसे यूएस की जो हेल्प है टू पाकिस्तान ये बढ़ेगी आप देखेंगे पाकिस्तान बड़े स्केल पर रशिया की आलोचना भी करनी स्टार्ट कर देगा जहां पर रिपोर्ट आएगी कि रशिया ने जी एक स्कूल की बॉम्बिंग कर दी है वहां पर साठ सत्तर बच्चे मारे गए पाकिस्तान रशिया के अगेंस्ट बोलेगा जहां पर न्यूज आएगी कि रशिया ग्रशन कर रहा है पाकिस्तान बार बार बोलेगा कि रशिया को अपनी इन्वेजन रोक देनी चाहिए तो ये एक मैसिव जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि जैसे ही इमरान खान हटेंगे यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ के विक्ट्री डे इज ए हॉलीडे इन हाउ मेनी कंट्रीज दैट द विक्ट्री ओवर डैश इन नाइनटीन किस देश की हार को सेलिब्रेट किया जाता है विक्ट्री डे में तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ऑप्शन सी जर्मनी नाजी जर्मनी टू बी प्रसाइस नौ मई को रशिया समेत कई और देश जो फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज थी इवन कुछ हद तक यूक्रेन ये सब कंट्री सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को एज विक्ट्री डे टू कमेमरेट द विक्ट्री ओवर द नाजी जर्मनी इन 1945 और हाँ यहां पर मैं ये भी ऐड कर दून अकेडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यूपीएससी कॉम्बो कोर्स में ये ऑफर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा आपको यहाँ पर करना क्या है कमेंट सेक्शन में जाओ यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूज कोर पी टेन टू गेट डिस्काउंट इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप यूपीएससी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर पाओगे जिसके अंडर अंदर मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठा हो जाती है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर और अभी देखो क्या होगा कि अगर आप चौबीस महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको एडिशनल छह महीने मिल जाएंगे तो चौबीस महीने के ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे तीस महीने तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं दो तीन साल का टाइम है आराम से 2024-25 में एक बार यूपीएससी का अटर्म देना है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज 24 मंथ का कोर्स है एडिशनल सिक्स मंथ आपको मिलेंगे मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो पीडी एंड द विल स्टार्ट फॉलोइंग सो यूज द कोड पीडी एंड सेव मनी सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो थैंक यू यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल